हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं आपका गार्डनिंग दोस्त नितिन आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडिया प्लांट लवर्स पर। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और कोरोना काल में अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। स्नेक प्लांट, मदर इन लॉ स्टंग प्लांट, नागफनी प्लांट, सेंसेवेरिया प्लांट और भी न जाने कितने नामों से इस प्लांट को जाना जाता है जो हमारे और आपके घरों में अक्सर देखा जाता है। तो दोस्तों, ये पौधा ना सिर्फ आपके और हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि ये वन ऑफ दी टॉप 5 जो है आपके बेस्ट इंडोर प्लांट्स उनमें भी आता है। नासा ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया है और बताया है कि यह सबसे ज़्यादा अच्छा इंडोर प्लांट है और एक बेस्ट एयर प्योरीफायर भी है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम बर्बाद किए बिना मैं आज आपको इस वीडियो में इस स्नेक प्लांट के बारे में जितना ज़्यादा जानकारी हो सके वो आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये एक इंडोर प्लांट है, तो इंडोर प्लांट होने के साथ साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब इतने सारे बेनिफिट्स हैं जिनको गिन पाना मुश्किल है। उनमें से कुछ बेनिफिट्स आज मैं लेकर आया हूँ अपने इस वीडियो में जो आप सबको मैं अभी बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है, वैसे तो बहुत सारे इंडोर प्लांट्स आते हैं जो जिनके बहुत सारे फायदे होते हैं, जो एयर प्योरीफायर भी होते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है आपका स्नेक प्लांट, ये सबसे बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट होता है। पहला बेनिफिट तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये आपका बेस्ट एयर प्योरीफायर है। दूसरा इसका जो मेन बेनिफिट वो है, वो ये है कि ये एक इकलौता ऐसा पौधा है जो रात के समय में भी CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रात के समय में भी यह आपको शुद्ध ऑक्सीजन देता रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको इसका तीसरा बेनिफिट भी बता देता हूँ। इसका जो तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि जिन भी लोगों को कोई भी छोटी मोटी एयर से संबंधित एलर्जी होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं या फिर कोई भी ऐसा आपको हल्की मुल्की खांसी या जुकाम, इस तरह के अगर कोई एलर्जी रहती है, उन लोगों के लिए ये पौधा एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जिससे आपकी एलर्जी में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। चौथा बेनिफिट है अस्थमा पेशेंट के लिए। अगर आप में से कोई भी जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ज़रूर इसको ध्यान से सुनिएगा कि जिन भी लोगों को अस्थमा का इशू है, थोड़ा बहुत भी अगर इशू है, इस पौधे को आप घर में ज़रूर लगाएं। ये आपके अस्थमा में रामबाण की तरह काम करने वाला है। आप सबको जो भी मैंने अभी बेनिफिट्स बताए, ऐसा नहीं है कि वो मैंने अपनी साइड से बताए हैं, ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो अगर आप इस पौधे के बारे में गूगल भी करेंगे तो भी आपको दिखने वाले हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं घर में एक ऐसा पौधा लगा देता हूँ, एक पौधा लगा देता हूँ और इससे सारे बेनिफिट्स ले लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस पौधे के मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इस तरह के कम से कम 4 से 5 पौधे एक कमरे में लगाने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से एक साथ झुंड बनाकर इनको रखें, कम से कम 4 पौधे एक कमरे में होने ज़रूरी हैं, तभी जाकर ये पौधा जो है आपका बेस्ट एयर प्योरीफायर का काम करेगा। तो दोस्तों, अभी कोरोना में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से अगर आप देख रहे होंगे आपके चारों तरफ का थोड़ा सा एनवायरमेंट एकदम साफ आपको दिख रहा होगा, एयर पॉल्यूशन भी आपको कम लग रहा होगा। पर आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एयर पॉल्यूशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके घरों से बाहर ही नहीं होता है, बल्कि आप और हमारे घरों के अंदर भी होता है। वो कैसे होता है? हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जो भी गैजेट्स हम इस इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हैं, इनसे भी बहुत तरह के पॉल्यूशन घर के अंदर होता है। तो इस घर के अंदर के पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी ये पौधा रामबाण साबित होता है। आप सबने नोटिस किया है कि आजकल कैंसर के पेशेंट्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर बढ़ने का मेन जो रीज़न होता है वो सिर्फ खान पान ही नहीं होता है, बल्कि अपने आसपास जिस तरह का पॉल्यूशन से हम घिरे हुए हैं उसकी वजह से भी होता है। तो बेसिकली जो कैंसर का कॉज बनता है उसके बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनमें से कुछ होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ज़ाइलिन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इस तरह के कुछ केमिकल्स और इस तरह की कुछ गैसेस होती हैं जिसकी वजह से कैंसर का कारण बनती हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि इन सबको भी आपका ये स्नेक प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। यू नो व्हाट, स्नेक प्लांट कैन आल्सो एक्ट एज एन इफेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट एयरबोर्न एलर्जीज। इसका मतलब है कि ये जो आपका स्नेक प्लांट है, हवा में फैलने वाली जिस जिस तरह की भी एलर्जीज होती हैं,
उसके खिलाफ भी काम करता है, यानी कि आपको उनसे लड़ने में आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो दोस्तों ये सब तो मैंने आपको बता दिए स्नेक प्लांट्स के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी बताता हूँ स्नेक प्लांट के बारे में। जैसे कि स्नेक प्लांट की 70 से ज़्यादा वेराइटीज़ सब जगह पर पाई जाती हैं। मैंने जो अपने यहाँ पर वेराइटी लगाई हुई है इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो पत्ती है वो बीच में से तो पूरी ग्रीन होती है और साइड में इसमें येलो कलर की इस तरह से पट्टी होती है। आप देख पाएंगे इस वाले प्लांट में भी इस तरह से येलो पट्टी इसके साइड में होती है। तो ये जो बेसिकली मैंने इसमें लिया है प्लांट, ये जो मैंने ग्रो किया है क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है क्योंकि इसमें डबल टोन कलर आता है इस वजह से। एल्स इसके अलावा इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, जैसे कि आपको दिखाता हूँ एक वेराइटी इसकी ये है। इसमें आप देखेंगे कि डबल कलर नहीं है, इसमें पूरा एक ही कलर आएगा, सिंगल ग्रीन कलर आएगा। इस तरह से इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ जगह जगह पर मिलती हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस पौधे को किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए, यानी कि इसका सॉइल मिक्स कैसे बनाएं। तो क्योंकि ये पौधा एक सैक्युलेंट कैटेगरी में आता है तो इसका सॉइल मिक्स जो बनेगा उसमें आप यूज़ कर सकते हैं 1/3 पार्ट ऑफ गार्डन सॉइल, 1/3 पार्ट ऑफ वर्मी कंपोस्ट एंड 1/3 पार्ट ऑफ रेत यानी कि सैंड, जो भी आप उसको बजरी भी कुछ लोग उसको बोलते हैं। इन तीनों को मिक्स करके आप जो सॉइल मिक्स बनाएंगे उसमें ही आपका पौधा बहुत अच्छे से चलने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस पौधे को प्रोपोगेट कैसे करें, यानी कि एक पौधे से बहुत सारे पौधे कैसे बनाएं। तो बेसिकली इसको प्रोपोगेट करने के दो मेथड होते हैं। पहला तरीका तो होता है आपका रूट डिवीजन और दूसरा तरीका जो होता है वो होता है लीफ प्रोपोगेशन। तो गाइज जो मैंने आपको पहला तरीका बताया है रूट डिवीजन का, उसका बेसिकली तरीका ये होता है कि इस तरह के प्लांट जो आपका अच्छे से डेवलप हो गया है, आप इसमें देख पा रहे होंगे इस तरह के प्लांट्स इसकी रूट में से दूसरे प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि इस वाले में एक ये निकला हुआ है, एक ये नया निकलने वाला है। और अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इसी की रूट से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको करना ये है रूट डिवीज़न में इस पूरे प्लांट को आप मिट्टी से बाहर निकाल लीजिए और इस नए प्लांट को जड़ से अलग कर लीजिए, यानी कि इसको किसी तेज चाकू से या कटर से आप इसको काट लीजिए और किसी अलग पॉट में लगा दीजिए। तो आपका ये पौधा एक अलग तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो तरीका मैंने आप सबको बताया वो है लीफ प्रोपोगेशन का। लीफ प्रोपोगेशन में बेसिकली करना ये होता है कि इस तरह की जो आपकी लीव्स बड़ी हो जाती है, आप कोई भी एक लीफ ले लीजिए, इसको आप किसी भी कैंची की मदद से 45 डिग्री के एंगल पे इस तरह से 4 से 5 इंची के टुकड़े इसके काट लीजिए। इस तरह से आप इसमें कई सारे टुकड़े काट पाएंगे। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप इसके टुकड़े काटेंगे तो आप एक मार्कर से अपर पार्ट के लिए यू लिख दीजिए, लोअर पार्ट के लिए एल लिख दीजिए, क्योंकि इसको जब आप दूसरे मिट्टी में लगाएंगे तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसके नीचे वाला जो पार्ट है वही मिट्टी में लगना चाहिए। अगर आपने उल्टा इसको लगा दिया तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो ये देखिए गाइस, लीफ प्रोपोगेशन में मैंने भी इसी तरह के कुछ टुकड़े काट कर और सॉइल में इसमें लगा दिए हैं। ये मैंने ध्यान रखा है कि इसके नीचे का पार्ट मिट्टी में लगाया है और जो अपर पार्ट है उसको ऊपर रखा है। अभी इसको लगाए हुए 10 से 12 दिन हुए हैं, 30 से 40 दिन में ये आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और इससे आपका एक नया स्नेक प्लांट तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्नेक प्लांट को पानी कब कब और कैसे कैसे देना है, क्योंकि ये एक सैक्युलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, प्लस आपका ये प्लांट जो है इंडोर रहने वाला है तो आपको इस पे पानी बहुत कम देना है। क्योंकि ये इंडोर है इसलिए ये पानी को ज़्यादा टाइम तक अपने अंदर होल्ड करके रखेगा, इसलिए आप हो सके तो 5 से 6 दिन में सिर्फ एक बार ही इस पौधे को पानी दीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं तो इसको 15-20 दिनों के लिए अगर आप घर से चले भी जाते हैं और इस प्लांट में पानी नहीं दे पाते हैं तो भी ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। तो दोस्तों समर का जो टाइम है, यानी कि अभी जो समय चल रहा है गर्मियों का, अप्रैल मई जून का जो मंथ होता है वो इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, यानी कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। जैसे जैसे सर्दियां पास में आती हैं तो ये डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है, यानी कि ये ग्रो करना बिल्कुल कम कर देता है। तो जहाँ तक हो सके आप गर्मियों के मौसम में इसको सबसे ज़्यादा लगाएं ताकि बारिश आते आते ये बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ को कर सके। जो लोग चाहते हैं कि कुछ पौधे उनके घर में ऐसे हों जो काफ़ी लंबे समय तक चलें और कम देखरेख से अच्छे से चल पाएँ, तो स्नेक प्लांट उन्हीं में से एक प्लांट है। अगर इस प्लांट का अच्छे से ध्यान रखा जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पानी देना है, जो भी 8 से 10 दिन में भी देंगे तो भी चलेगा, तो ये प्लांट आसानी से
5 से लेकर 25 साल तक सर्वाइव कर लेता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जैसा कि बाकी कई पौधों में प्रॉब्लम आती है कि कई तरह के इंसेक्ट्स उनमें लग जाते हैं, मिलीबग्स लग जाते हैं, इस पौधे की खासियत ये है कि इसकी लीव्स के अंदर कुछ इस तरह की स्मेल होती है जिसकी वजह से इसमें कभी भी इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे, तो आपको इंसेक्ट्स को लेकर कभी भी परेशान नहीं होना है। दोस्तों इस पौधे को पानी भी कम चाहिए, इसमें कीड़े भी नहीं लगने वाले हैं, तो आपको इस पौधे को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये पौधा आप आसानी से अपने घर में मेंटेन कर सकते हैं। इसमें जो इकलौती प्रॉब्लम आ सकती है वो है ओवर वाटरिंग की, यानी कि अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाला तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो इस तरह से हार्ड ना होकर बिल्कुल लूज़ हो जाएंगी। जब आपको लगे कि आपकी पत्तियाँ बिल्कुल लूज़ हो गई हैं तो समझ जाइए कि आपके पौधे में ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो रही है और आपको उसको पौधे के जो एक्स्ट्रा पानी है उसको सुखाने का टाइम आ गया है। तो ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग मत करिए तो आपका ये पौधा बहुत अच्छे से बहुत सालों तक चलने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको स्नेक प्लांट के बारे में जहाँ तक हो सका सारी इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी अगर किसी पौधे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ, अगर इस तरह के जो प्लांटर्स यानी कि गमले हैं अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इस तरह के सभी प्रकार के प्लास्टिक के और फाइबर के गमले पूरे इंडिया में डिलीवर किए जाते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। खमा गणी।